आपा देखे, आपने जहां इतना किया वहां थोड़े दिन और ठहर जाना मेरी खातिर। नहीं भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे समझते हैं कि मैं यहाँ बैठ के उन पर बेजा तनकीद करती हूँ। आपा मेरे बच्चे ऐसे नहीं सोच सकते। बस अब आप जाने की बात नहीं करेंगे, आपको मेरी जान की कसम। शान से जो दवाइयां देके गई नहीं खा ली तुमने? ये खा ले। जरा उसको अपने पास बिठाते, उससे कुछ बातचीत करते। जब से यूनिवर्सिटी से आई है कमरा बंद करके बैठी हुई है। मैं कुछ कहूंगी तो शायद उसको बुरा लगेगा। हाँ, वो कह रही थी वो काम है उसे कुछ, और एग्जाम भी तो थे ना उसके। क्या सोचने लगे? ठीक है आपा, मैं चाहता हूँ कि शानजे की शादी वाला मामला जो है ना अभी ना छेड़े। हो सकता है उससे कोई घर में बड़ा हंगामा हो जाए। इतना डरते हो तुम बच्चों से? डरना पड़ता है, और वैसे भी वो मेरी शादी से खफा है ना। जब तक उसकी खफगी दूर नहीं होती, हमको ये इस मामले को नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैं जबरदस्ती की तो कायल हूं नहीं। जब अगर मैं सोची थी कि मैं घर वापस चली जाऊं, अब बच्चे बहुत फोन कर रहे हैं बार बार, और फिर रोहिल ने तो धमकी दी है कि वो आ जाएगा यहाँ मुझे लेने के लिए। नहीं, आप मैं देखें, बहुत उदास भी हो गई हूं ना उनके बगैर। आपा देखें, आपने जहां इतना किया वहां थोड़े दिन और ठहर जाना मेरी खातिर। नहीं भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे समझते हैं कि मैं यहाँ बैठ के उन पर बेजा तनकीद करती हूँ। आपा मेरे बच्चे ऐसे नहीं सोच सकते। बस अब आप जाने की बात नहीं करेंगे, आपको मेरी जान की कसम। चलो, तुम कह रहे हो तो फिर नहीं जाती मैं। पापा आपके लिए दूध रखा है, अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। पप्पू, नहीं, थैंक यू। नहीं, आप कॉफी लेंगी? नहीं। क्या बात, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता मेरा मूड क्यों ऑफ है? जानता हूँ, यही ना कि आपने अपनी अम्मी के घर जाना था और पप्पू ने मना कर दी। तुम्हें अपना वादा याद है जो तुमने मुझसे किया था, या भूल गए हो? हाँ बाबा, याद है मुझे, करूँगा पप्पू से बात। अभी करो ना प्लीज असद। अली से अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ, डिनर पे बात करता हूँ ना। तुम्हें पता है असद, मेरा कितना दिल चाह रहा था मामा से मिलने का, और पप्पू ने साफ मना कर दिया। मैंने उनको जाकर अपनी गाड़ी के बारे में बताना था। आई वाज सो एक्साइटेड। अलीज़े, प्लीज प्लीज नाराज ना हो, चली जाना, अभी ऑफिस से आया हूँ, मैं करता हूँ बात। ओके, अब प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारे जहान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पर ले लो? तुम्हें थोड़ा सा काम जुहेब के जिम्मे भी तो लगाना चाहिए ना। अलीज़े, ऐसी बात नहीं है, सुहेब काम करता है, इनफैक्ट अब तो वो काम में प्रॉपर इंटरेस्ट लेता है। बट टू बी ऑनेस्ट, हम दोनों भी बाबा की कमी पूरी नहीं कर सकते। तो उनको भी ऑफिस साथ ले जाया करो, वैसे भी उनका कोई काम तो होता नहीं है घर पर। अलीज़े, क्या गलत कहा है मैंने असद? तुम्हें अंदाजा है कि पप्पू और अंकल की वजह से हमारी पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ।